गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं। रियांश मॉम ऑन ड्यूटी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। और चलते हैं किचन में, और मैंने पूजा वगैरह कर ली है और चलते हैं किचन में नई रेसिपी के साथ बनाने जा रही हूँ, और उसकी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। मैंने ये साबुत मूंग को भिगोया है, आप चाहे तो मूंग दाल को भी भिगो सकते हैं। मैंने ओवरनाइट भिगोया था, आप चाहे तो ना ओवरनाइट भिगो तो आप 3-4 घंटे भिगोकर भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छी और हेल्दी होती है। मैं साबुत मूंग को पीस लूँगी। मैंने 2 हरी मिर्च डाली और अदरक का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर है। मूंग दाल को बहुत महीन पीस ले, बारीक पीस ले, और मैंने 1/2 कटोरी लगभग सूजी ले, इसे मैं डाल दूँगी। इससे आपके चीले या फिर आप पिज्जा स्टाइल में पिज्जा बनाएंगे वो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी होने में। और 1/2 चम्मच लगभग हल्दी डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक का यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा 1/2 चम्मच से भी कम गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ। 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ, जीरा डाल रही हूँ, और 1/2 चम्मच से भी कम लाल मिर्च का यूज़ कर ले, आप स्वाद अनुसार मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही इस रेसिपी को चुटकी भर हींग का यूज़ कर रही हूँ, और मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर, मैंने लगभग 1 गिलास पानी लिया है। ये बैटर बहुत गाढ़ा हो गया है तो मैं थोड़ा सा पानी थोड़ा थोड़ा करके आप पानी का यूज़ करें, ज़्यादा एक साथ पानी मत डालें। आप तभी भी दाल थोड़ी गाढ़ी है तो मैं थोड़ा पानी डाल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके लगभग मैंने पूरा 1 गिलास पानी का यूज़ कर लिया था। देखिए बहुत स्मूथली, और इस दाल को बहुत अच्छे तरीके से फेंट लें और पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही डालें। मैंने लगभग 1 गिलास पूरा पानी यूज़ किया था। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए जैसे कि आपके चीले वगैरह अच्छे से बन जाए। पिज्जा स्टाइल में बना रही हूँ, और मैंने एक तवा लिया है, लोहे का तवा है, इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ। आप जो भी आप ऑयल यूज़ करना चाहें वो आप डाल सकते हैं। मैं इसे तवे पर अच्छी तरीके से मैं फैला दूँगी जिससे कि आपका जो बैटर है चीले वगैरह आपके चिपके ना। मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बना आपको एक प्लेन चीला बना के दिखा दूंगी, और एक पिज्जा स्टाइल में बनाऊंगी। ये देखिए सिंपल सा, बहुत आसानी से आपका चिपकेगा नहीं और उठ जाएगा देखिए, और खाने में बहुत हेल्दी होता है ये चीला, और बच्चे भी बहुत आसानी से खा सकते हैं, और टिफ़िन में आप बच्चों को दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक में बना सकते हैं। वैसे तो मूंग दाल कोई भी खाना पसंद जल्दी नहीं करता है, पर बहुत कम खाते हैं मूंग दाल को। लोग बोलते हैं रोगी वाली दाल बना ली, तो आप मूंग दाल के चीले बना सकते हैं, मूंग दाल की सब्जी बना सकते हैं। और मैंने देखिए ऐसे कलर चेंज हो रहा है, जैसे ही आपका सिक जाएगा तो देखिए अपने आप थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगेगा। साइड से सिक गया है, बीच में भी थोड़ा सा नहीं सिका है, थोड़ा सिकने तक आप वेट करेंगे। मैंने पलट दिया है चीले को अच्छे तरीके से, देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है दोनों साइड में। तो मैं सेक लूँगी और ये आपका हेल्दी नाश्ता तैयार। अब मैंने 1 कटोरी में प्याज 1 बारीक काट लिया था, और 1 हरी मिर्च काट ली थी, और 1 टमाटर मैंने अच्छी तरीके से काट लिया था। अब मैं दूसरा डिफरेंट स्टाइल का बना रही हूँ। अब मैंने भी इस बैटर को अच्छी तरीके से तवे में फैला दिया है, जैसे पहले फैलाया था रिफाइंड लगा के, वैसे ही मैंने फैला दिया। इसे सिकने तक वेट करूँगी, और ये जो प्याज हरी मिर्च मैंने काट के रखी है इसे पूरा अच्छी तरीके से मैं फैला दूँगी। अच्छी तरीके से इसे फैला दीजिए, आप चाहे तो उसमें चीज़ वगैरह मलाई वगैरह सब चीज़ डाल सकते हैं। मैं चीज़ वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं हल्का सा बस प्याज टमाटर अपना थोड़ा पिज्जा स्टाइल में बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा चीज़ वगैरह नहीं मैं लगाती हूँ, ना ही मैं ज़्यादा खाती हूँ चीज़ वगैरह। आप चाहे तो चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। हल्का सा रिफाइंड ऑयल मैं किनारों पर डाल दूँगी जिससे अच्छी तरीके से सिक जाए,
और इसे मैं प्लेट से ढक दूंगी। अब मैं गैस फ्लेम को थोड़ा कम मीडियम फ्लेम तक लगभग पका लूंगी, 1 मिनट। और आप बीच बीच में देखते रहिए, मैंने देख चेक कर लिया था बीच में, और ये साइड साइड से किनारों से सिक गया और आपका कलर भी चेंज हो गया। अब इसे बहुत ही आसानी तरीके से मैं पलट दूंगी। देखिए आपका साइड से, आप देख लीजिए अच्छी तरीके से पलट गया है। अब दूसरे कंचल का भी यूज़ करिए, आपका ये थोड़ा सा बैटर जो भी प्याज टमाटर हल्का सा निकल जाता है, आप आसानी से उठाएं। अभी अच्छी तरीके से सिकने दूंगी थोड़ा सा, और देखिए पलटने के बाद देखिए ये कलर आ गया है, बहुत ही खाने में टेस्ट। टमाटर जो डाला था उस वाला पिज्जा, और ये प्लेन प्लेन चीला है ये आपका, और ये मैंने खट्टी चिली सॉस और टमाटो सॉस को मिक्स कर लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये आप लोग भी खा लीजिए। मैं मूंग दाल की सब्जी बना रही हूँ, मैंने चीले बनाए थे ना मॉर्निंग में, तो मैं मूंग दाल की सब्जी बना दे रही हूँ। इसको क्या करूँगी, थोड़ा ज़्यादा बन गया था, तो मैं ये 1 चम्मच लगभग बेसन डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा मुझे बेसन डालने का अगर और जरूरत है तो मैं थोड़ा और डाल दूँ, क्योंकि पकौड़ी जो है अच्छे से आप फेंट लीजिए इसे। न ज़्यादा गाढ़ी हो ना ही ज़्यादा पतली हो, इस तरह मैं इसे पकौड़ी बना ले रही हूँ, और इसकी रेसिपी फिर कभी आप सभी के साथ शेयर कर देंगे। अभी मुझे थोड़ा जल्दी है तो मैं इसलिए इसकी सिंपल सी रेसिपी बता चेक कर लेती हूँ। मैंने तेल कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख दिया था, और आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हो, सरसों का तेल। अगर आप जो तेल डालते हैं, जो तेल आप खाते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी चेक किया तो गर्म। मैं मोस्टली ना मस्टर्ड ऑयल में सब्जी बनाना पसंद करती हूँ, और मैं इसकी पकौड़ी बना ले रही हूँ। कि वैसे आप रिफाइंड में भी सेक सकते पकौड़ी, मगर मैंने सोचा कि एक ही में सब्जी बना लूँगी, तो फिर इसकी रेसिपी फिर कभी आपको अच्छे से शेयर कर दूँगी। अभी मैं थोड़ा जल्दी हूँ। ये अच्छे से गर्म हो गया है, मैं इस तरह की पकौड़ी बना ली। मैंने मूंग दाल से जो पकौड़ी है, ये पकौड़ियाँ मैंने सेक ली थी हम 2 मेंबर के लिए, और 20 मिनट। और ये जो दाल है, थोड़ी सी मैंने दाल को बचा लिया है, इसे मैं बाद में ग्रेवी में बना लूँगी। जीरा डाल दे रही हूँ। वैसे मोस्टली लोग मूंग दाल खाना पसंद नहीं करते, लोग ही आली दाल लोग बोलते हैं, लेकिन मूंग की दाल की सब्जी वाकई में बहुत टेस्टी बनती है। मूंग दाल से मैंने मॉर्निंग में चीले बनाए थे, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करी है, और मैं थोड़ी सी मूंग डाल दे रही हूँ। और ये मैंने बारीक काट कर प्याज रखा हुआ है, और इसे मैं डाल दे रही हूँ। अदरक कद्दू का सब रखा था, ये भी डाल दे रही हूँ। मैंने 2 से 3 टमाटर लिए थे, इसकी ग्रेवी बना ली थी, और इसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्च डाल दी थी, स्वाद अनुसार मिर्च का यूज किया। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इस तरह का हो चुका है, हमें ये टमाटर पीस के रखे वो मैं डाल दे रही हूँ।
एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच लगभग लाल मिर्च, जितना आप मिर्च खाते हो उतना आप डाल दीजिए, और स्वाद अनुसार नमक, नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि मैंने इसमें डाल रखा है, और आधा चम्मच मैं गरम मसाला डालती हूँ, और लगभग 1 स्पून धनिया पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालती हूँ। गैस फ्लेम को मीडियम कर दूंगी पापा। और ये दाल है इसमें 1 ग्लास लगे, तो मैं इसमें इसको पतला बना लूंगी ग्रेवी के लिए, 1 ग्लास लगे पानी डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए, लगभग मैंने 2 ग्लास पानी का यूज किया है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप हाथ से कर दीजिए, ये कंसल्टेंसी है कि आप इसे पकाएंगे ना डाल के मसालों में, तो ये गाढ़ी अपने आप हो जाएगी। मसाले अच्छे तरीके से पक चुके हैं और इसमें जो तेल है वो रिलीज हो चुका है और कलर भी कितना अच्छा आ चुका है। मसाले अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और तेल रिलीज कर चुके हैं। ये जो मैंने बैटर बनाया मैं इसे डाल दूँगी, लगातार चलाते रहे नहीं अन्यथा ये गाढ़ा हो जाए, लगातार आप चलाते रहिएगा। ये मैंने पानी डाल दिया, इसे लगातार चलाते रहना है वरना ये ठीक हो जाएगा। चलाते रहिए आप बीच में, जब तक आपका उबाल ना आ जाए तब तक आप इसे लगातार चलाते रहिए। इस सब्जी को मैं अच्छी तरीके से चला रही हूँ, जब तक ये ठीक लगातार आप इसे चलाते रहिए वरना ये गाढ़ी हो जाएगी, जो कम से कम 10-15 मिनट तक अच्छे से पकाना है। गाड़ी उठी डाली और लगातार चलाते रहना है, बीच में आप जैसे एक बॉइल आ जाए ना, तो फिर आप में पकौड़ी या नहीं वो डाल दूंगी। राइस के साथ ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, और मैंने साइड में राइस बनाने के लिए दिया, मैं रोटी थोड़ी देर में सेकूंगी, मेरी सब्जी बन जाएगी तब मैं रोटी सेकूंगी। 10-15 मिनट मैंने अच्छे से पका लिया है, और बीच में चलाते रहें आप, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे पकाएं, आराम से पक जाएगी। और ये पकौड़ी में डाल दे रही हूँ, 2 से 3 नंबर खा लेंगे खा लेंगे, और ये राइस में कर रही हूँ। 1-2 मिनट ढक देंगे, और जैसे कि जो पकौड़ी है उसमें ग्रेवी अंदर तक फूल हो जाए, आप गार्निशिंग के लिए हरी धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी खा लेंगे भी डाल देंगे। इस तरह में सारी अपनी रोटियां भी सेक लूंगी और मेरा लंच भी रेडी हो गया है, उनके घर पर मैं सारी रोटियां सेक लूंगी, और आप लोग भी आ जाइए लंच कर लीजिए, आके रोटी सब्जी चावल मूंग दाल सब्जी बनी और रोटी चावल। पोली पोली रोटी बन गई, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। लंच रेडी हो गया है, प्याज और ग्रीन चिली का सैलड भी काट लिया है। चंदमा बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में, तो मैंने इसकी थोड़ी सी क्लिप ले, इसी के साथ इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट